दोस्तों, पूर्णिमा पर किया गया दान, ये दान आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति करा सकता है। दोस्तों, पूर्णिमा पर किया गया ये दान आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति करा सकता है। बैकुंठ के धाम का रास्ता मात्र पूर्णिमा के दिन इस चीज को दान करने से प्राप्त हो जाता है। रास्ते खुल जाते हैं, व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है, धनी हो जाता है। आज कोई आभागाई होगा जो इस वीडियो को ना देखे। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, पूर्णिमा पर ये चीजें दान करने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत धनी होने से रोक नहीं पाएगी। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा पर ये चीजें हर हाल में दान करें। दोस्तों, पूर्णिमा पर हम भी इन वस्तुओं का दान करते हैं और आप भी दान करें और देखें साक्षात चमत्कार। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, आपके पड़ोसियों को भी इस दान का जिक्र नहीं करना है। इसकी भनक किसी को नहीं होनी चाहिए। ये दान गुप्त तरीके से किया जाता है। आपके भाई बहन माता पिता किसी को भी इसका जिक्र नहीं करना है। एकदम चुपचाप दान करें और वापस घर को चले आना। तत्काल आपका वो कार्य शीघ्र पूर्ण तरीके से आश्चर्यजनक रूप से हो जाएगा। जिसकी आपको जरूरत थी वो आपको हासिल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं, गुप्त दान एक ऐसा दान होता है जिससे व्यक्ति के हजारों पाप माफ हो जाते हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, धन की वर्षा करते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, ये दान खासकर शुभ समय पर किया जाता है। दान आप सूर्य उदय होने के बाद करें, सूर्यास्त के बाद भूलकर भी दान ना करें। आइए जानते हैं दान की कुछ खास वस्तुएं। इन वस्तुओं में से आप कोई भी एक चीज दान अवश्य करें। ये दान एक ऐसा दान है, आप हजार बार यात्रा कर लेना, यज्ञ कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, गंगा स्नान कर लेना, उससे जो आपको पुण्य मिलता है मात्र ये एक गुप्त दान करने से प्राप्त हो जाता है। ये दान बहुत ही भाग्यशाली और शक्तिशाली दान माना जाता है। दोस्तों, ये दान मंदिरों में होना चाहिए, यानी घर से बाहर जो मंदिर होते हैं उसमें। इस बात का जिक्र पड़ोसियों को भी नहीं होने पाए। आइए जानते हैं। गाय का दान, सोने चांदी का दान, रत्नों का दान, विद्या का दान, तिल का दान, कन्या दान, हाथी का दान, घोड़े का दान, शैया का दान, वस्त्र का दान, भूमि दान, अन्न का दान, दूध का दान, छत्र तथा आवश्यक सामग्री सहित घर आदि के दानों को विशेष कर महादान कहते हैं और शक्तिशाली बलशाली दान की श्रेणी में आती है। ये सभी वस्तुएं जो मनुष्य को बल प्रदान करती है, इनमें से कोई भी एक चीज दान करने पर व्यक्ति को अमृत का वरदान प्राप्त हो जाता है। माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि आपके घर दौड़े चले आएंगे, कंगाल भी होंगे धनी, किस्मत पर लग जाएंगे चार चांद, कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। और भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिसे दान करने पर साक्षात ऐसा व्यक्ति ईश्वर का सबसे प्रिय कहलाता है। दोस्तों, पूर्णिमा पर ये चीजें हम अवश्य दान करते हैं, आप भी इन वस्तुओं का दान जरूर करें। बने रहे इस वीडियो में, हम और भी कई ऐसी वस्तुएं बता रहे हैं जो अपने सामर्थ्य के अनुसार हर हाल में दान करें। ये मौका हाथों से मत जाने देना, क्योंकि दोस्तों, पूर्णिमा हर रोज नहीं आती है। आइए जानते हैं। दोस्तों, दान करना आवश्यक है। दान के बगैर ना तो आपका भला होगा और ना ही किसी भूखे प्राणी का। दान करना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आप बाकी कार्य करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम दो बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इससे नरक नहीं जाना पड़ता। दान सर्वश्रेष्ठ, मंगलकारी और आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु क्या आप जानते हैं, कई वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते, जो कि भगवान शिव बताते हैं। ये छह वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते। साथ में हम ये भी जानेंगे, शिव महापुराण के अनुसार वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफें क्यों ना हो, निश्चित रूप से दूर हो जाती है। दोस्तों, आपसे एक विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें ओम नमः शिवाय, महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, पहली चीज है नमक। सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, नमक डेले वाला होना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये साबुत नमक होता है, ये एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोल गोल होता है, जिसे साबुत नमक कहते हैं।
वो अगर आपको मिल जाए तो उसे अगर आप दान करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा है गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अब यह रिश्ता आपका किसी से भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच अगर संबंध मधुर नहीं है और आए दिन कलेश होता है, झगड़े होते हैं और अगर नौबत तलाक तक पहुंच गई है तो आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव देवादिदेव हैं, वो आपके समस्त संकट को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे। जहां भी जाएंगे तो वो आपको यही कहेगा कि भगवान शिव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराओ, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, रुद्राभिषेक कराओ। आपको वो कोई और देवता या फिर कोई और उपाय बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाएं और आप ये उपाय करें। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ भगवान शिव की शरण में जाने को आपको कहूंगा तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बनने वाली बात नहीं है तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, माँ बाप के रिश्ते हो या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है तिल। शिव महापुराण में वर्णित है तिल का दान करना। व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं परंतु जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता। जानकारी के बाद भी वो वहां से लौट आते हैं, हार मान जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। तिल का दान आप काले या सफेद का कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफी शुभ माना जाता है, इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। दोस्तों, अनाज का दान। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ यह है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीजें एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वो भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की लक्ष्मी की भी कोई भी कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए समय के अनुसार यानी कि सोमवार को गेहूं चावल का दान करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए रविवार के दिन किसी गरीब को सवा किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। मंगलवार को बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना अच्छा माना जाता है, इससे व्यक्ति महाबली की कृपा पा लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। करियर में सुधार लाने के लिए बुधवार के दिन मूंग दाल, हरे रंग के कपड़े, सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां दान करना अच्छा माना गया है। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है, इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, इस दिन जरूरतमंदों को सफेद खीर का दान करना अच्छा माना गया है।
इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन काले तिल शनिवार को अर्पित करने से वो व्यक्ति सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना गया है। इस दिन गरीब को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय साक्षात शनिदेव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े का दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं, गरीबी उसके जीवन में कभी बास नहीं करती। कपड़े दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह गरीबों को दान में दे सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहते हैं। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती है और आपको धन धान्य से माला माल कर देती है। दोस्तों, आप जानते हैं क्या दान ना करें, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। फटे कपड़े किसी को दान नहीं करना चाहिए। सड़ा गला खाना कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए, इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती है। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए, इससे शनि देव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वस्तु जैसे चाकू छुरी ब्लेड आदि का दान नहीं करना चाहिए, इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की का कन्या दान कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर ले कि सामने वाला व्यक्ति गलत आचरण का ना हो। किसी गलत व्यक्ति को कन्या दान करने पर आपके नरक के दरवाजे खुल सकते हैं, आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसीलिए कन्या दान किसी नेक व्यक्ति को ही करें। शराबी दुराचारी गलत व्यक्ति को कन्या दान भूल कर भी मत करना। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।